हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि कुमार एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर इंस्टीट्यूट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 12th की इंग्लिश। और लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे कुछ क्वेश्चन आंसर माय मदर एट 66 के, तो जिसमें मैंने आपको सेकंड स्टेप तक पढ़ा दिया था। आज हम शुरुआत करेंगे थर्ड स्टेप से। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सबसे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो देखें और एक सीक्वेंस चलें ताकि आपको हर चीज़ स्टार्टिंग से समझ में आए। और फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं थर्ड स्टेप से। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आपको स्टोरी लिखनी है, देन आपको उसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन, देन मीनिंग्स, देन क्वेश्चन आंसर्स। तो कोई भी डाउट है कि कैसे फॉर्मेट को फॉलो करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो थर्ड स्टेप के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है बट से स्टार्ट करना है। हमने थर्ड स्टेप के लिए बट आफ्टर द एयरपोर्ट, अब बट से स्टार्ट कीजिए। और कहाँ तक लिखना है आपको, माई चाइल्ड हुड स्पीयर तक आपको लिखना है। तो आप पहले यहाँ से स्टार्ट वीडियो पॉज कीजिए या आप डिस्क्रिप्शन में देखिए। तो आपको बट से स्टार्ट करना है और आपको फियर तक लिखना है, तो आप वहाँ तक लिखिए। देन हिंदी में एक्सप्लेनेशन लिखिए उसका। ओके, जैसे कि हमें पता है कि जब वो एयरपोर्ट, जब कमला दास और कमला दास की मां, बोथ ऑफ दोज रीच द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर एयरपोर्ट पर कमला दास के स्टफ की सिक्योर चेकिंग हुई। ओके, तो उस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा की जांच हो जाने के बाद मैं कुछ गज की दूरी पे खड़ी हो गई अपनी माँ को दोबारा देखते हुए, जो मुझे रंगहीन नजर आ रही थी। पीली, पीली मतलब कमजोर पड़ी हुई, कमजोर पड़ी हुई। तो जब उसने देखा तो उसे वो कमजोर उसकी मां नजर आ रही थी, जैसे सर्दियों में देर से निकलने वाला चांद। तो हमें पता है कि उसने अपनी माँ को कंपेयर किया था चांद से, जो सर्दियों में देर से निकलने वाले चांद से, जिसने मुझे मेरा जाना माना दर्द याद दिला दिया, जो केवल डर ही नहीं मेरे बचपन का डर भी था। ठीक है, तो आप उस स्टोरी को आपने, आई होप आपने लिख लिया होगा। आप फिर इसे लिखिए उसके नीचे। देन मीनिंग्स, सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा की जांच, यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर, वेन मीन्स रंगहीन, पेल मीन्स पीला पड़ना मतलब कमजोर, एक मिस लगातार वाला दर्द, फैमिलियर जाना माना, चाइल्ड हुड फियर मिस बचपन का डर, लेट विंटर्स मून सर्दियों में देर से निकलने वाला चांद। तो ये मीनिंग्स हो गई। क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन, हुज सिक्योरिटी वॉज चेक डन, सो किसकी सिक्योरिटी वहां पे चेक हुई थी। तो ऑब्वियसली कमला दास सिक्योरिटी वॉज चेक डन। Who looked wan and pale? तो कमजोर कौन दिख रहा था, कलरलेस कौन दिख रहा था। मदर लुक्ड वैन एंड पेल। व्हाट इज द कंपैरिजन इन द स्टोरी? तो स्टोरी में किसको किससे कंपेयर किया गया है? मदर इज कंपेयर्ड विद द लेट विंटर मून। तो हमें पता है कि माँ को कमला दास ने कंपेयर करा है लेट विंटर मून से। व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर? सो उसके बचपन का, कमला दास के बचपन का डर क्या है? हर चाइल्डहुड फियर इज इफ शी माइट नॉट लॉस हर मदर, कहीं उसकी माँ को कुछ हो ना जाए। तो ये डर हर किसी बच्चे का होता है बचपन में कि हमारे माँ बाप हमसे दूर ना हो जाए। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि हर चाइल्डहुड फियर इज इफ शी माइट नॉट लॉस हर मदर। तो ये हमारा स्टेप थ्री है, जिसमें आपने सीक्वेंस, आई होप आपने लिख लिया होगा इन सबको। हम अब स्टेप थ्री आपको कहाँ से स्टार्ट, और सॉरी स्टेप फोर स्टार्ट करते हैं। स्टेप फोर आपको स्टार्ट करना है बर्ड से लेके स्माइल तक। ओके, बर्ड से लेके आपको स्माइल तक करना है, बट ऑल आई सेड से यहाँ से स्माइल तक आपको लिखना है। आप उसे लिखिए, देन उसके नीचे आप हिंदी में लिखिए, परंतु जाते जाते मैंने इतना ही कहा कि जल्दी मिलूंगी अम्मा, और मैंने सिर्फ इतना ही किया कि मैं मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो इंग्लिश में लिखो, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन हिंदी में लिखो, देन मीनिंग,
बट ऑल आई सैड, परंतु मैंने इतना ही कहा, एंड आई डिड, और मैंने इतना ही किया। अब इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, हु इज आई इन दी स्टेंजा, तो आई कौन है यहां पर, आई किसको रेफर करता है, तो यहां पर जो आई है, आई रेफर्स टू दी कमला दास। व्हाट शी सेड एट द टाइम ऑफ गोइंग, जब वो जा रही थी एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी, तब उसने क्या कहा। शी सेड सी यू सून अम्मा, जल्द मिलूंगी अम्मा, अपना ध्यान रखना। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ हर स्माइल, जब कमला दास जा रही थी तब वो स्माइल करती हुई जा रही थी, मुस्कुराती हुई जा रही थी, क्यों, उसका रीजन क्या था। कमला दास स्माइल टू हाइड हर फियर बिहाइंड हर स्माइल, तो वो अपने डर को अपनी स्माइल के पीछे छुपा लेना चाहती थी। जो उसकी टेंशन है, जो उसकी चिंता है, जो उसका डर है कहीं उसकी माँ से दूर ना हो जाए, वो उस डर को अपने अपनी स्माइल के पीछे छुपा लेना चाहती थी, इसलिए वो इस मुस्कुराती हुई गई, ताकि उसकी माँ ये ना सोचे कि कमला दास इतनी टेंशन में क्यों थी। तो ये आपकी पोयम थी, ये उसके क्वेश्चन आंसर थे। आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं, याद करने हैं। अगर आपको स्टोरी याद है तो क्वेश्चन आंसर आपको बहुत इजीली तरीके से याद हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आंसर आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, नोट डाउन बोर्ड से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल टेलीग्राम सॉरी टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे रखा है। आप मुझे मेरे ब्लॉग पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेडू वर्ल्ड वाइड पर फॉलो कर सकते हैं मुझे, मैंने उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट यूजफुल है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, और आप कुछ भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, एंड ये पोएम कंप्लीट हो चुकी है अब, और हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे या जो अपलोड करेंगे, जो भी हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वो हमारे होगी लास्ट लेसन से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ यू।